भाई लगे, जगदीश भाई लगे थे सबसे जवान। तो अब मैं नारायण जी से आग्रह करूंगा कि आवे अपनी बातों को रखें। नारायण जी, इन्होंने कर रहे हैं जहां तक संभव है प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि ये किसी का जय जयकार नहीं होती। तो आपने सही कहा, अब मैं आग्रह करूं चाहिए, यही आज का मीटिंग का मूल उद्देश्य है। और आज तमाम जो अधिकारी जो चुने जाएंगे बुलंदी के से, आपको जो है ये भाइयों, यहाँ के नौजवान साथियों, यहाँ के विस्थापित भाइयों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ यूनियन यूनियन बहुत है, दलाली करने वाले को भी कमी नहीं है, वो दलालों से भी नहीं डरना है। आपके पीछे कंधे से कंधा लड़ने के लिए एचएमकेपी आपके साथ जो है खड़ा है, हर वक्त में खड़ा है। अगर कोई मजदूर के साथ में कोई कलश करता है, वैसे ट्रेड यूनियन के भी दलाल अगर होते हैं, अगर मजदूरों को दबाने का काम करता है, तो उसको भी हम लोग 6 इंच छोटा करने से हमें पीछे नहीं मांगे। नौजवान साथियों, बहुत यहाँ के मजदूरों को लोचा, बहुत यहाँ के विस्थापितों को लोचा, विस्थापितों के नाम पर हजाने का काम किया। कौन किया? वही किया जो 40 साल से फेलवो को फिर को लूटने का काम किया। वही लोग आज जो है मजदूरों को दबाने का काम करते रहा है। राजेश कुमार उपराय जी, प्रबंधन ये इंसेंटिव के नाम पर जो है ये लाखों रुपया जो है यहाँ के प्रोजेक्ट अफसर से लेकर के तमाम लोग जो है मजदूरों का खून और पसीना का पैसा का जो है ये लोग जो है दुरुपयोग करने का काम करते हैं, इनको लाभ देने का काम मजदूरों को नहीं करते हैं। ऐसे हालात में हम तमाम लोगों को विचार करना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि इंसेंटिव जो है ये जो हमारा हक है, अधिकार है, हम इंसेंटिव जो है हमारा जो है 1 महीने का तनख्वाह जो है इंसेंटिव के रूप में देना चाहिए। ये जो है प्रबंधन को हम मांग करते हैं। आज जो है यहाँ चोर है, महाडकैत है, ये इस पर भरोसा करना जो है बेईमानी होगा। ये लोग भ्रमण करके निरीक्षण किया था, वही लोग किया था जो ठेकेदारी भी कर रहा है और जो है और निरीक्षण भी कर रहा है और यूनियन में ये जो है यूनियन के नाम पर निरीक्षण कर रहा है, वही चोर लोग है जो लूटने का काम किया है, वही जो है इंक्वायरी और जो है जांच करने के लिए गया था। इससे क्या भरोसा करना है? ऐसे लोगों से भरोसा करना है? ऐसे लोगों से भरोसा नहीं करना है। इसलिए हमने मांग किया है और लिखित दिया है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए के एरिया में, कि 8 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश करो, नहीं तो हिंद मजदूर किसान पंचायत व्यापक रूप से आंदोलन चलाने का काम करेगा और जो है आपका जो है जीएम ऑफिस को चलने नहीं देगा। ये हम आगे कार्यक्रम बनाने वाले हैं। आज खास माहौल में एचएमकेपी की आप लोगों ने बैठक संपन्न की, इसमें शाखा कमेटी का गठन किया गया। आपके नजर में खास माहौल में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मजदूर से संबंधित? देखिए, खास महल प्रोजेक्ट एक उत्पादन वाला प्रोजेक्ट है, पर यहाँ जो है मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों का जो हक अधिकार है वो जो है प्रबंधन के द्वारा जो है समाप्त कर रहा है। अभी आप मजदूर घोड़ा में जाकर के देखिए कि मजदूरों का क्वार्टर जो है रहने के लायक नहीं है।
जो है पानी, ये बरसात में पानी जो है पूरे क्वार्टरों में जो है चू रहा है। यहाँ जो है क्वार्टर का जो है हालत बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। लोगों का जो है सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी का सही व्यवस्था नहीं है, बिजली जो है कटौती होता रहता है। इस तरह का निरंतर जो है मजदूरों के साथ जो है शोषण किया जा रहा है। इसके लिए आज जो है हिंद मजदूर किसान पंचायत ये खास महल में आंदोलन करने का काम करेगी। ये तो मजदूर के आवास से संबंधित या बाहर की समस्याएं हुई, खदान के अंदर या परियोजना के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से? देखिए, मजदूरों का जो समस्या है आज जो है खास महल के अंदर, ये मेंटेनेंस के नाम पर जो आज जो लोकल सप्लाई लोग करते हैं, जहां आज जो है लोकल कुसरो धनबाद से जो है ये जो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, ये तमाम जो है कल पुर्जा जो है ये दोगुना दाम में जो है ये सप्लाई के रूप में यहां के प्रबंधन लेने का काम करता है, और उस पैसे को जो है प्रबंधन जो है बंदरबांट करने का काम करता है, और ये नकली जो पार्ट्स है पुर्जा है इसका जो है गाड़ी में इस्तेमाल करता है, जो चार दिन भी गाड़ी नहीं चलता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। ये बिल्कुल जो है एक तरह का मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, मजदूरों का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कंपनी का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए जो है हिंद मजदूर किसान पंचायत विरोध कर रही है। और किसी मामले को लेकर, 8 करोड़ के मामले को लेकर के आप कहीं कंप्लेंट किए? हम लोग जो है ये BNK क्षेत्र में वेलफेयर के मद पर 8 करोड़ रुपए के लागत से ये मजदूरों का जो क्वार्टर